बदलते वातावरण के साथ आपदाओं का स्वरूप भी बदल रहा है। इन भीषण आपदाओं के सफल निपटारे, राहत व बचाव कार्य के लिए सिर्फ सरकार या एजेंसियां ही काफी नहीं है। इसके सही मैनेजमेंट और जीरो कैजुअल्टी के लक्ष्य को पाने के लिए हमें युवा वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित कर आपदा प्रबंधन से जोड़ना होगा। राहत और बचाव से जुड़े ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को भारत ने जिस तरह बढ़ाया है, उससे देश में भी अलग अलग आपदा के समय बहुत सारे लोगों के जीवन बचाने में मदद मिली है। इसके मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह के पहल पर युवाओं को आपदा प्रबंधन से जोड़ने के लिए इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन नेटवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की स्थापना की गई है, जिसमें 251 विश्वविद्यालयों को जोड़ा गया है। इसके अलावा 350 आपदा संबंधित जिलों में 369 करोड़ रुपए के साथ आपदा मित्र योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 1,00,000 युवा वॉलंटियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है, जिसमें अब तक 83,000 से अधिक को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आपदाओं से लोहा लेने के लिए तैयार इन वॉलंटियरों का जीवन बीमा भी करवाया गया है। देश में लगभग 370 करोड़ के खर्च से आपदा मित्र योजना इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें देश के हर जिले में युवाओं को इसमें सहभागी बनाया गया है। 1,00,000 से ज्यादा युवा वॉलंटियर को प्रशिक्षण और जीवन बीमा का कवर देकर भारत सरकार ने आपदा मोचन के लिए तैयार किया है। जान की परवाह किए बिना आपदा के समय राहत व बचाव में तत्पर राहत कर्मियों और संस्थाओं को प्रेरित करने और उनके सम्मान के लिए वर्ष 2019 से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा इस वर्ष देश में आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए के 3 प्रमुख योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें राज्यों में अग्निशमन सेवा का विस्तार, 7 महानगरों में बाढ़ के खतरे को कम करना एवं 17 राज्यों में भूस्खलन शमन परियोजना शामिल है। इसी के तहत अग्नि दुर्घटना से प्रभावशाली तरीके से निपटने के लिए कई नीतियां बनाई गई है, जिनमें वर्ष 2019 में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के रखरखाव के लिए एक आदर्श विधेयक सभी राज्यों को भेजा गया है। साथ ही जून 2023 में राज्यों में अग्निशमन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए की परियोजना भी शुरू की गई है। मोदी सरकार द्वारा आपदा का क्षेत्रवार डेटा एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी NDMIS एवं रिकॉर्ड को अद्यतन रखने के लिए राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक सूची IDRN का भी गठन किया गया है। नए भारत का कुशल आपदा प्रबंधन आज विश्व पटल में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा देश के बीच परस्पर सहयोग की भावना का विस्तार कर रहा है। आपदाओं के कुशल प्रबंधन के लिए मोदी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार की शुरुआत हो या युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। ये सच्चे अर्थ में सबके विकास के लिए सबका प्रयास को चरितार्थ करता है।